कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा सेकेंड पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती है जिसके जरिए कंप्यूटर को कोई डेटा प्रोवाइड किया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती है जिसके जरिए कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन या कोई डेटा लिया जाता है। पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड का लेआउट देखने में एक ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह लगता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज को प्रोवाइड किया गया है कुछ एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। कीबोर्ड कई साइज में आते हैं, 84 कीज, 101, 102 कीज, 104 या फिर 108 कीज। आजकल मार्केट में जो ज्यादातर कीबोर्ड्स मिलते हैं वो 104 या 108 कीज वाले होते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। सेकेंड है माउस। माउस एक मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। ये एक फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। इसमें दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और बीच में एक व्हील होता है जो कि स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल लगभग सभी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में किया जाता है। कंप्यूटर में ये आपको अलग से लगाना होता है जबकि लैपटॉप में ये इनबिल्ट होता है और आप अलग से भी लगा सकते हैं। थर्ड है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि कर्सर की पोजीशन को मॉनिटर की स्क्रीन पर मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेम्स खेलने में किया जाता है। जब भी आप कंप्यूटर पर कोई गेम खेलते हैं तो उसके लिए जॉयस्टिक का ही इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। फोर्थ है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह से काम करता है। स्कैनर सोर्स से इमेजेस को कैप्चर करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके डिस्क में स्टोर कर देता है। इसके बाद उन इमेजेस को एडिट किया जा सकता है और उनको प्रिंट भी किया जा सकता है। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। फिफ्थ है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि साउंड को स्टोर करता है एक डिजिटल फॉर्म में। हम कोई चीज बोलते हैं तो हमारी वॉइस को माइक के जरिए कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। सिक्स्थ है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर यानी MICR। MICR भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि ज्यादातर बैंक्स में इस्तेमाल की जाती है। चेक पर जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उन्हें रीड करने का इस्तेमाल यही MICR मशीन करती है, तो MICR भी एक इनपुट डिवाइस है। सेवेंथ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR। OCR भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक पेपर पर जो भी टेक्स्ट या कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं ये उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और उनको सिस्टम की मेमोरी में स्टोर कर देता है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आता है मॉनिटर। मॉनिटर को आमतौर पर विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडियो कहा जाता है। ये कंप्यूटर का सबसे मेन आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं उसको ये एक स्क्रीन पर शो करता है। मॉनिटर के जरिए हमें पता चलता रहता है कि हम कंप्यूटर में क्या काम कर रहे हैं और कंप्यूटर उस काम का एक आउटपुट हमारे सामने शो करता है स्क्रीन पर। सेकंड है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करने का काम करता है। जिस इंफॉर्मेशन को हम मॉनिटर पर देख रहे हैं या जो हमने अपने कंप्यूटर में तैयार की है उसको हम प्रिंटर की हेल्प से एक पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन को दे रहा है, तो इसलिए प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। थर्ड है स्पीकर्स। स्पीकर्स भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि कंप्यूटर इसके जरिए से हमें वॉइस का आउटपुट देता है। इसके अलावा और भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकती हैं। बस आपको यही समझना है कि कंप्यूटर में डेटा को जिन डिवाइसेस के जरिए इनपुट किया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं और कंप्यूटर से डेटा को जिन डिवाइसेस के जरिए आउटपुट किया जाता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इसके अलावा कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है, जैसे कि यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव से आप कंप्यूटर में डेटा को इनपुट भी कर सकते हैं और डेटा को आउटपुट भी कर सकते हैं, तो इसलिए इस डिवाइस को इनपुट और आउटपुट दोनों कहा जाता है। इसी तरीके से सीडी ड्राइव है। सीडी के जरिए भी आप कंप्यूटर को डेटा दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं,
तो सीडी और यूएसबी ये इसी तरीके की कुछ और डिवाइसेस होती हैं, वो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं।